इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। रूमी को हमना की कमजोरी बनाने चाहता, और मुझे पता ही नहीं चला कि रूमी और उसकी मोहब्बत कब मेरी कमजोरी बन गई। हमना क्या क्या हथियार डाला, इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। चार साल दोनों का अफेयर चला है, 4 years। बेहतर होता ये थप्पड़ तुम हमना के मुंह पे मारती। हमजा तो फिर भी गैर था, तुम्हारी सगी बहन ने सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें धोखा दिया है। बहुत गरूर था ना तुम्हें हमजा की मोहब्बत पे, तुम्हें लगा कि वो तुम्हारे लिए गाड़ी मार के अपनी जान देने लगे। अगर जानते हो सच क्या है, सच ये कि हमजा सिर्फ हमना से मोहब्बत करता है। Thank you.
ऐसा कैसे मुमकिन है? आपकी और मेरी रूमी से बात नहीं हुई और हमजा जैसे मक्कार और झूठे इंसान से सच बोलने की तवक्को करना बेवकूफी है। पहली बार रूमी की आंखों में सवाल देखे मैंने, शिकायत देखी, अजनबियत देखी, उसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मेरी आंखों में देखकर मेरे दिल में छुपा सच पड़ रही थी। जितना इस मामले को समेटने की कोशिश कर रहा हूं उतना ही बिगड़ता जा रहा है। जो आप कह रही हैं अगर तो वो सच है तो रूमी के सामने शर्मिंदा होने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बस नहीं चल रहा कि इस सारे मसले से कहीं दूर भाग जाऊं। मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी रूमी के सामने। सच सच ये है कि दुनिया और रूमी के सामने हमारा रिश्ता कायम है और उस रिश्ते की वजह से रूमी को मैंने बहन कहा और दिल से माना। आप पर उठने वाली हर उंगली, किए जाने वाले हर सवाल का जवाब दे हूं मैं। तूने कहा जो मैंने किया हो, अब क्या गिला है तुझे? हम तो हुए जोगी, तस्वीर तेरी कर हासिल हुआ क्या हमें? रात को आया तो तुम सो चुकी थी, थक गई थी। कल मैं कैसा था? अच्छा। मैंने डैड को बता दिया है मैं अब ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, ऑफिस में अब जिम्मेदारी है मेरी, तो बस आखिरी की कुछ मीटिंग्स हैं वो निपटा लूं फिर सारा टाइम तुम्हारा। अच्छा रात को तैयार है ना, हम लोग डिनर पे जा रहे हैं। ठीक है। आपकी और मेरी रूमी से बात नहीं हुई और हमजा जैसे मक्कार और झूठे इंसान से सच बोलने की तवक्को करना बेवकूफी। बाजी आपकी बहन आई है।
रूमी कैसी हो? ठीक हो? तुम बैठो। कितने सालों से जानते हो हम बातें? आज मैं ऑफिस से जल्दी सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि मैं और आप टाइम स्पेंड कर सकें। ये बैग क्यों? कहीं जा रही हो? हाँ। कहाँ? मैं पूछ सकता हूं कहाँ? पगला थी मैं तुम्हारा। इस्तेमाल किया तुमने मुझे। चुप! अब और किसी झूठ में नहीं आऊंगी क्योंकि तुम्हारा सच जान चुकी हूं। तुम्हारी मोहब्बत, हमारा रिश्ता सब एक धोखा था सिर्फ ताकि तुम्हारा एक घटिया मकसद पूरा हो सके। तुमने मेरी जात और मेरी मोहब्बत की तौहीन की। कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। तुम मेरी बात सुनो। खबरदार जो मुझे माफ मिल पाया तो इस काबिल नहीं हो तुम। मुझे तो अपने वजूद पे घिनाती है यार कि कभी ये तुम्हारी पहुंच में भी था। अपने दोबारा गंदी जबान से मेरा नाम मत लेना और ना ही इन गलीज हाथों से मुझे छूने की कोशिश करना। जबान खींच लूंगी, हाथ काट लूंगी। आंसू बैठे क
मम्मी सब जान चुकी है। सब कुछ तुम सब खरीन हमें बेटा ये सामान एक गलती आपकी एक गलती ने क्या तमाशा लगा दिया है अंदाजा तो हो ही रहा होगा आपको और अब जबकि रूमी को सब कुछ पता चल ही गया है तो जो तूफान मैंने मना किया था रूमी को कुछ मत बताना रिक्वेस्ट की वो अभी घर छोड़ के चली गई है ले लिया ना तुमने अपना बदला अब इसका नतीजा जो होगा देने की पोजीशन में नहीं हो तुम और ये बर्बादी किसी और नहीं तुम्हारे अपने हाथों की हुई है तुम्हारा अपना बदला ही तुम्हारे सामने आन खड़ा हुआ है जहां तक बात है रूमी की तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी असलियत उसके सामने आ गई अब मुकाबला खुल के होगा बगैर किसी मजबूरी के होगा मेरे बाप ने तो मुझे हमजा के साथ कुरान पाक के साए में रुखसत किया था लेकिन तुम मेरे गले लग के क्यों रोती है अब अंदाजा होता है
अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। रूमी कहाँ? कमरे। रूमी गेट खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। रूमी गेट खोलो, बात करनी है मुझे तुमसे। रूमी रूमी कम ऑन यार, गेट खोलो। चले जाओ यहां से हमजा। क्या बात है बेटा, तुम दोनों की लड़ाई हुई है? तुम्हारी मोहब्बत, हमारा रिश्ता, सब एक धोखा था। चौखट पे बैठे रहे भूले हम, भूले तुम। बैठो, कितने सालों से जाते हैं हम जाते हैं? चार साल दोनों का अफेयर चला, 4 years। क्यों मैं तुमको पुकारूं? आंसू बैठे कैद पलकों पे, कैसे इनको बहाऊं? रूमी, रूमी बेटा दरवाजा खोलो। रूमी मैं जानती हूं तुम लड़कर आई हो, लेकिन दरवाजा तो खोलो। बेटा कुछ खा लो, ऐसी हालत में तुम्हारा भूखा रहना ठीक नहीं है। कुछ तो अपनी सेहत का ख्याल रखो। रूमी
रात को ही चले गए बगैर मिले, मगर क्यों? आप एक सो चुके थे इसलिए मिल नहीं सके। अगर इतनी रात को जाने की जरूरत क्या थी? आंटी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए जाना पड़ा। आज एक ही कुछ दिन क्या तमाशा लगाया हुआ है? किस बात पर लड़कर आई हो? रूमी, रूमी मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूं। रूमी मैं तुमसे बात कर रही हूं, कुछ तो अपनी हालत का ख्याल करो। अब अकेली नहीं हो तुम, एक और जिंदगी जुड़ी हुई है तुम्हारे साथ। और ऐसी हालत में अंदाजा है मुझे, इसलिए अपना ख्याल रख रही हूं। मम्मी और कोई सवाल मत कीजिएगा मुझसे। ये ना हो कि यहां से भी चली जाऊं। मैं बना दूं? नहीं, ठीक है, कर लूंगी। मुझे नहीं लगता कि रूमी के पास अभी आपको जाना चाहिए। मुझे जाना होगा, मैं अब चुप नहीं बैठ सकती। और क्या कहेंगी जाकर? कपड़े की क्या सफाई देंगी? ये सब सफाई देने जा भी नहीं रही, खुल के बात नहीं कर सकी, वो सुनने जा रही हूं। उसे उसके हर एक सवाल का जवाब देने जा रही हूं, हर वो जवाब जो जानना उसका हक है। दीजिए फिर जवाब। ये कोई तरीका है ऐसे झगड़ा करके घर आने का? जरा भी अकल नहीं है इस लड़की में। अरे मियां बीवी में ऊंच नीच हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान घर छोड़ दे, वो भी ऐसी हालत में। मी हो सकता है बात ऐसी, बात कोई भी हो, ये सब ठीक नहीं कर रही वो। हमसे आया था माफी मांगने, उसने दरवाजा ही नहीं खोला। अरे रिश्ता निभाना पड़ता है, एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करना पड़ता है। हो सकता है गलती बर्दाश्त से बाहर हो मम्मी। तुम उल्टा मुझे कायल कर रही हो।
जा, जाकर उसे समझाओ। अपने लिए तुम्हारी नफरत का अंदाजा लगा सकती हूँ मैं। तुम्हें पूरा हक है नफरत करने का। नफरत से ज्यादा हैरत हो रही है मुझे। वो रिश्ते जो मेरे लिए मेरी जिंदगी से भी ज्यादा अहम हैं, उनके लिए मैं इस कदर हकी हो सकती हूं। जिन रिश्तों को मेरी ढाल बनकर मेरा तहफ्फुज करना था, वो हमला करने वाले के साथ कैसे मिल गए? रूमी, मैं मजबूर थी। ऐसी क्या मजबूरी थी हमना? क्या मजबूरी थी? तुमने अपनी सगी बहन को, जिस बहन ने तुम्हें जिंदगी भर प्यार दिया है, कभी मायूस नहीं किया, उसको तुमने अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से अपनी नाकाम मोहब्बत के बदले की भेंट चढ़ा दिया। मैं चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे चाहकर भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बहन मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकती है। मेरे बाप ने तो मुझे हमजा के साथ कुरान पाक के साए में रुखसत किया था, लेकिन तुम मेरे गले लग के क्यों रोई थी, ये अब अंदाजा होता। तुमने तो मुझे हमजा की नफरत और बदले के साए में रुखसत किया था ना, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। बस कर दो रूमी। हाँ, ये सच है कि मैं सब जानती थी, मगर ये भी सच है कि इस रिश्ते के खिलाफ मैंने अपना एहतजाज किया था। बार बार तुम एहसास दिलाने की कोशिश की थी कि तुम इस रिश्ते से मना कर दो। एक बार सच बोलना कितना मुश्किल था हमना? बहुत मुश्किल था रूमी। बहुत मुश्किल था। डर गई थी मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूं मैं। मुकाबला नहीं करना आता मुझे तुम्हारी तरह, मगर अपनी जात का कोई खौफ नहीं था मुझे रूमी। खौफ था अब्बू की बीमारी का, उनकी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत और शराफत के छिन जाने का। धमकी दी थी उसने मुझे।
हुए मैंने तुम्हें कुछ बताया तो तुमने कमजोर लम्हों में किए हुए मैसेजेस वो अजीम उसके घर वाले और अब्बू को दिखा देगा। ब्लैकमेल करता था वो मुझे, ये थी मेरी मजबूरी। हूं मैं तुम्हारी मुजरिम, मैं तुम्हारी मुजरिम हूं। तुम रूमी मेरी बात सुनो। ना तो मुझे रोकने की जरूरत है और ना ही मेरे पीछे आने की। मैंने रूमी को फ़ोन किया था उसकी वालदा की तबीयत पूछने के लिए, लेकिन रूमी ने फ़ोन नहीं रिसीव किया। हो सकता है अपनी अम्मी के साथ बिजी हो, कॉल ना देखी हो। भाई मेरे ख्याल से तो हमें उनके घर जाना चाहिए आयादत की। कोई ज़रूरत नहीं आपने वो जाने की, इट्स गुड। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका बेटा नहीं चाहता कि उसका सच आपके सामने आए। कैसा सच? आज अपने बारे में बात नहीं करने आई हूं मैं, अपनी बहन के हिस्से का जवाब देने आई हूं। मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा।